T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के अपने पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को धो दिया। जो दूसरा मैच है वो बांग्लादेश से है, तो क्या टीम इंडिया बांग्लादेश को भी पटकनी आज देगी? क्या होगा आज के मुकाबले में? क्या बांग्लादेश वापसी कर सकता है इस टूर्नामेंट में? क्या बांग्लादेश नया इतिहास रचना चाहता है? इन्हीं सारी चीजों पर बातचीत होगी और आज आपको बताऊंगा कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और साथ ही बताऊंगा कि दोनों टीमों का प्लस और माइनस पॉइंट क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और बांग्लादेश के बीच आज एंटीगुआ में सुपर 8 का मुकाबला होना है, T20 वर्ल्ड कप में, जो भारत के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उसे सेमीफाइनल में पहुंचना है तो आज का मैच जीतना जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप आज का मैच जीत लेते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो तीसरा मुकाबला भारत का होगा वहां पर भारतीय टीम के ऊपर दबाव कम होगा। तो ऐसे में भारतीय टीम चाहती है कि वो सुपर 8 में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज करे और सेमीफाइनल का दरवाजा अपने लिए खोल ले। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम है जो नया इतिहास रचना चाहती है। आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक चार मुकाबले हुए हैं और चार के चारों मुकाबले जो है वो भारतीय टीम ने जीते हैं। लेकिन ये चीज आपको बता दूं कि जो आखिरी दो मुकाबले हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के बीच, वो बहुत करीबी मुकाबला है। अगर 2016 T20 वर्ल्ड कप आपको याद हो तो उस मैच में आपको याद होगा कि भारतीय टीम को एक रन की जीत मिली थी और वहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने कैसे दौड़ते हुए आखिरी गेंद पर रन आउट किया था, वो बहुत फेमस पिक्चर है। इसके बाद जो अगर आप जब ऑस्ट्रेलिया में 2022 में मुकाबला हो रहा था T20 वर्ल्ड कप का, तो वहां डकवर्थ लुइस मेथड से भारतीय टीम सिर्फ 5 रनों से जीत पाई थी। मतलब जो फासला था भारत और बांग्लादेश के बीच वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखा है T20 इंटरनेशनल में, और इसलिए बांग्लादेश की टीम आज उलटफेर करना चाहती है। लेकिन यह करना उसके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि भारतीय टीम का जो संतुलन है वो उसे एक बेहद मजबूत टीम बना रहा है। सूर्य कुमार यादव अपनी फॉर्म में लौट चुके हैं और अपने अंदाज में जो है उन्होंने बारबाडोस में बल्लेबाजी की है अफगानिस्तान के खिलाफ। ऋषभ पंत अच्छी टच में दिख रहे हैं, हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी रन निकलकर आ गया है, तो एक बॉक्स भारत का और टिक हो चुका है। गेंदबाजी की जहां तक हम बात करें तो वहां पर आपको जसप्रीत बुमराह बेजोड़ फॉर्म में है, गजब की लय में गेंदबाजी कर रहे हैं और लगभग अनप्लेबल दिख रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह लगातार विकेट ले रहे हैं और भारत की तरफ से इस T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, उन्होंने अब तक 10 विकेट लिए हैं। हार्दिक पांड्या अपने ऑलराउंडर वाली भूमिका के साथ न्याय करते हुए दिख रहे हैं। बल्लेबाजी में तो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ रन बनाया ही, इस T20 विश्व कप में उन्होंने अब तक 7 विकेट भी लिए हैं और अक्षर पटेल भी आपको सही सही दिख रहे हैं, अपनी लय में दिख रहे हैं। तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी में भारतीय टीम जो है वो संतुलित दिख रही है। दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो ग्रुप स्टेज में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जो सुपर 8 का उसका पहला मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया से, उसमें उसे हार का सामना करना पड़ा। डकवर्थ लुइस मेथड के अनुसार जो बांग्लादेश की टीम है वो ऑस्ट्रेलिया से 28 रनों से हार गई, और आप कह सकते हैं कि ये हार जो है उसके लिए इस विश्व कप की संभावनाओं को कम कर सकती है, और यही वजह है कि आज वो पूरा जोर लगाने जा रही है क्योंकि अगर उसे सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो उसे हर हाल में आज जीत चाहिए।
तो जीत चाहिए। तो अगर बांग्लादेश टीम की हम बात करें तो वो टीम भी आपको संतुलित दिखती है, खास करके उसका गेंदबाजी डिपार्टमेंट जो है वो मुझे ज्यादा संतुलित दिखता है, क्योंकि वहां पर तस्कीन अहमद जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं, तंजीद हसन साकिब जो हैं वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और वो भारत के लिए खतरा जो है बन सकते हैं, और हमेशा की तरह वेटरन मुस्तफिजुर रहमान तो है ही, जो अपने पेस में वेरिएशन करके अक्सर बैटर्स को परेशान करते हैं। स्पिनर्स की बात करें तो साकिब उल हसन काफी अनुभवी, और अगर आप भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबलों की बात करें तो साकिब उल हसन जो है बांग्लादेश की तरफ से T20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 7 T20 इंटरनेशनल में 6 विकेट लिए हैं, और इसके अलावा उनकी बल्लेबाजी भी लाजवाब होती है। आमतौर पर भारत के खिलाफ वो आपको मजबूत दिखते हैं। तो स्पिनर साकिब उल हसन है, मेहदी हसन वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप बात करें तो ऋषभ हुसैन जो हैं, जो लेग स्पिनर हैं, आमतौर पर आप बांग्लादेश की टीम में अगर आप प्रीवियसली देखें तो आपको लेग स्पिनर ज्यादा नहीं दिखते थे, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम में जो है ऋषभ हुसैन के रूप में एक लेग स्पिनर भी आ गया है, और उन्होंने इस विश्व कप में शानदार गेंदबाजी की है और अब तक 5 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। तो और एक और अच्छी बात जो बांग्लादेश के साथ है, ये जो तीनों स्पिनर्स हैं ना, ये तीनों बल्लेबाजी भी करते हैं, उसमें साकिब उल हसन तो पूरे बैटर हैं, बाकी दो भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की टीम यहां पर आपको मजबूत दिखती है, इतने सारे ऑलराउंडर होने की वजह से उनकी टीम को भी एक संतुलन मिल जाता है। जो कप्तानी कर रहे हैं वो नाजमुल हुसैन संतो कर रहे हैं, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी भी की है, तो वो एक अच्छे बैटर हैं। इसके अलावा तौहीद हिरदोई जो हैं वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस विश्व कप में, तो उनसे भी बांग्लादेश को काफी उम्मीदें हैं। वैसे उम्मीद तो उन्हें तंजीद हसन और एवरग्रीन लिटन दास से भी, और ये लिटन दास भारत के खिलाफ अच्छा खेलने के लिए जाने जाते हैं, तो दोनों तरफ से जोर जो है वो पूरा लगने वाला है। अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय टीम शायद अपने विनिंग टीम के साथ छेड़छाड़ न करना चाहे, क्योंकि कुलदीप ने पिछले मैच में 2 विकेट लिए हैं। वैसे पिच कैसी रहती है उसे देखकर भी बहुत कुछ फैसला लिया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला है, तो एक टेम्पटेशन ये हो सकता है कप्तान और कोच का कि कुलदीप की जगह पर एक बार फिर से जो है सिराज को लेकर टीम में आया जाए, क्योंकि तेज गेंदबाजों को बांग्लादेश के खिलाड़ी उतने अच्छे से नहीं खेल सकते, लेकिन कुलदीप के होने से एक वेरिएशन टीम को मिलता है, और जो अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी की है वो अच्छी गेंदबाजी की है, तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव टीम में रहेंगे। जो एक चिंता की बात है भारतीय टीम के लिए वो उसका ओपनिंग पार्टनरशिप है। भारतीय टीम इस पूरे विश्व कप में अब तक कोई भी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप कर पाने में असफल रही है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो ओपनिंग जोड़ी है उसने अब तक अच्छी स्टार्ट जो है इस विश्व कप में भारतीय टीम को नहीं दी है, तो क्या यहां पर एक चेंज हो सकता है? लेकिन यहां पर चेंज होगा तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों खिलाड़ियों में से कोई ड्रॉप होगा। अगर यहां पर चेंज होगा तो जो नुकसान होगा, जो बाहर बैठेंगे वो आपको शिवम दुबे बैठेंगे, और ऐसी परिस्थिति में विराट कोहली 3 पर आएंगे और यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग कराया जा सकता है, लेकिन उससे ऋषभ पंत के ऊपर असर पड़ेगा जो कि 3 नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इसलिए फैसला बहुत सोच विचार कर लिया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि इंडिया की प्लेइंग 11 वही रहेगी जो अफगानिस्तान के खिलाफ थी। दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जो 5 प्योर बैटर्स की हम बात करते हैं, नजमुल हुसैन सांतो, तौहीद हिरदोई, इसके अलावा तंजीद हसन, लिटन दास, ये तो रहेंगे ही। महमदुल्ला भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और वो एक बैटिंग ऑलराउंडर भी हो जाते हैं, तो एक ऑप्शन बांग्लादेश का
और खुल जाता है। तो ये रहेंगे, इसके अलावा मेहदी हसन वो रहेंगे, साकिब को तो रहना ही रहना है, और रिशद हुसैन, ये तीन स्पिनर हो जाएंगे, और अगर महमदुल्ला भी किए तो एक तरह से चार स्पिनर, और तीन तेज गेंदबाज जो रहेंगे टीम में वो हैं तंजीम हसन, साकिब, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान। तो ये होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। तो कुल मिलाकर मुकाबला बहुत रोचक होना है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से आकलन करें तो फेवरेट भारतीय टीम ही है, और भारत और बांग्लादेश के बीच आप मुकाबलों को भी देखें तो 13 T20 इंटरनेशनल में भारत ने 12 मैच जीते हैं, बांग्लादेश को सिर्फ एक मैच जीतने में कामयाबी मिली है। तो पलड़ा भारत का भारी है, फेवरेट भारत ही है। अब अगर बांग्लादेश जीतता है तो वो उलट फेर होगा, हालांकि इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।